लोकसभा चुनाव 2019 ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है त्यों त्यों सारी पार्टियां कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया है। जी हां, इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद की, जहां आज निचलौल ब्लॉक सभागार में सपा के जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने सेक्टर व बूथ पदाधिकारियों की मीटिंग की। मीटिंग का संचालन अयूब खान ने किया। बताते चला कि इस मीटिंग में सारे कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा गया कि चुनाव नजदीक है, कार्यकर्तागण अपने गांव में जाकर जिनके वोटर कार्ड कट गए हों उनका वोटर कार्ड में नाम डलाने का काम करें, मतदाता फार्म भरकर सूची में नाम बढ़वाया जाए, सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष महातम यादव ने भी पदाधिकारियों में जोश भरी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यासागर यादव, ईश्वर महंतगिरी, आलोक कुमार यादव, अब्बास अली, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष रवि प्रताप यादव, देवेंद्र कुमार भारती सचिव लोहिया वाहिनी, ग्राम सभा बोधना के पूर्व प्रधान कैलाश प्रजापति, राधेश्याम, दीनानाथ, शिवनाथ मध्यसिया, राजकुमार गुप्ता, ग्राम सभा पीपरा के ग्राम प्रधान विनोद आदि सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में बूथ संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई है। मतदाता परीक्षण का भी काम चल रहा है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में मतदाता परीक्षण के काम में वोटर लिस्ट भी दे दी गई है। प्रभारियों को वो मतदाता सूची का समीक्षा भी करेंगे और जो नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया होगा उस नाम को जुड़वाएंगे और जो गलत नाम जो मृतक है या दूसरे जगह चले गए उन लोगों के नाम को कटवाने का भी काम करेंगे। और इस बैठक में संकल्प लिया गया है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुंवारी मायावती जी ने गठबंधन किया है, वह गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी को जिताने में काम करेगा और समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से सामंजस्य बनाकर उन्हें अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करेंगे और उनके कार्यक्रमों में भाग लेकर के तालमेल बनाकर हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को देश की सरकार से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प करेंगे। कब तक आपके प्रत्याशी की लिस्ट आ जाएगी? अब प्रत्याशी की लिस्ट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषता विचार है। हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को जिताने के लिए बूथ स्तर पर मजबूती से काम कर रहे हैं। कौन उम्मीदवार होगा या हमारा विषय नहीं है, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विषय।